सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज पंच, मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, गुज़श्ता रोज मुल्क के ऐवान बाला यानी सेनेट का शुरू होने वाला आखिरी इजलास आज भी जारी रहा, जिसमें मुबैना इंतखाबी धांधली से सियासी कैदियों तक मुख्तलिफ मौजूआत ज़ेर बहस रहे। तमाम सेनेटर्स ने जहां इंतखाबी नतायज पर बात की है, वहीं मुल्की मामलात अफहामो तफहीम से चलाने पर भी जोर दिया गया। बिलखसूस PTI को अवामी मैंडेट का एहतराम करने की बात की गई और नवाज शरीफ से भी दिल बड़ा करके सबको साथ लेकर चलने की बात की गई है। इस तमाम तरह सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि सेनेटर्स के मुतालबात तजावीज़ किस हद तक काबिल अमल हैं। ये सवाल लेकर मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। मैं तारुफ करवा देती हूँ, आज हमारे साथ नज़ीर लगारे साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनके अलावा दानिश साहब, डॉक्टर दानिश साहब हमारी आज टीम का हिस्सा होंगे, साथ ही साथ शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनके साथ साथ हमारे साथ आज लाहौर स्टूडियोज़ से भी मेहमान होंगे, तो उनका भी मैं तारुफ करवाऊँगी। हमारे साथ एहतशाम साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये सवाल लेकर एहतशाम साहब की जानिब बढ़ूंगी। एहतशाम साहब, जो अभी सारी सिचुएशन है, इसमें आपने देखा कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को भी आपने सुना कि वो कितना ब्लंटली ये बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, मैंडेट को तस्लीम करने की ज़रूरत है और देखना होगा कि सिचुएशन को कैसे आगे लेकर चलना है। फिर उसके बाद जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, उनका भी हमने देखा, मुश्ताक साहब, वो ये बात कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, उनके खिलाफ Article 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तजावीज़ और जो सारे मुतालबात सामने हैं, किस तरह से देख रहे हैं इनको आप? देखिए अमना, मुतालबात की तो जिसको कहते हैं, ख्वाहिशों की तो आप लिमिट्स कोई नहीं है, जो मर्जी आप इफ्तिशेज वर्दी हॉर्सेज जो मर्जी आप कहते रहें, लेकिन बात इस वक्त यह है कि कौन सा वर्केबल फार्मूला जो हमें इस मंझदार से निकाल सकता है, जो सख्त है, जिसके बारे में आज सेनेट में बड़ी बातगश सुनी गई। देखिए एक ही बात है कि जब सारे लोग अपनी थोड़ी थोड़ी पोजीशन से पीछे हटेंगे तो फिर मामले की हद तक जाया जाएगा। अगर कोई तवक्को ये करता है कि एक पार्टी खामोश होकर बैठ गया, ओपनली अगर मैं कहूँ कि एस्टैब्लिशमेंट से अगर आप तवक्को करते हैं कि 9 मई को भूल जाएं और वो गले लगा लें सबको, तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 9 मई की आप बमांगे धोल मजम्मत करें, जो आपने एक आध दफ़ा की है खुल के करें, और जैसा कि आपके लोग कहते रहे हैं माजी में कि जी ठीक है, जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं आप उन्हें सजा दें, बाकियों के साथ मामला तय करें, तो मेरा ख्याल है वो फिर चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन आमना, कुछ चीज़ें ऑप्टिक्स में होती हैं दिखाने के लिए। जब आप हार्ड लाइनर को सामने लेके आते हैं कि जी ठीक है, बयानात सख्त दिलवाए जाते हैं, गंडापुर को आप लगाते हैं, इसी तरह से आप डिमांड आप ऐसी करते हैं कि जी शॉर्ट ऑफ दिस डिमांड के जी हमारी बात सुनी जाए और हम जो आपको कह रहे हैं वही माने, और मतलब इस हद तक माने कि एक तरफ PMLN कहती है कि जी हमारे सब लोग मिला के 180 बन जाते हैं, वो मुझे भी और आपको भी समझ आ जाती है कि पीपल्स पार्टी MQM PMLN मिला के और प्लस इनके जो लोग आएंगे स्पेशल सीट पे खवातीन और अकलियतों वाले 180 बन जाएंगे। जब PTI ये कहती है ना कि जी हमारे 180 हैं, तो उस पर सवाल यह है कि वो 50 के करीब वो लोग हैं, 45 लोग जिनके बारे में वो कहते हैं कि ये जीते हुए हैं, फॉर्म 45 इनका तब्दील हुआ है। लेकिन आमना, इसके लिए लॉन्ग वे टू गो, देखना कोई तरीका कहा रहा है। कल मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इस्लामाबाद कोर्ट का एक फैसला था, हाई कोर्ट का, 3 बड़े आपने देखा जो इस्लामाबाद के जो हल्के थे उनका रिवर्स हो गया फैसला PMLN के खिलाफ, कि थोड़ा सा दारों पे जिसको कहते हैं धम्बल से चलें तो मेरा ख्याल बहुत कुछ रिलीफ मिल सकता है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि आमना, कि इस वक्त सारी दुनिया कह रही है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान की बन चुकी है, सारे लोग नहीं सर जोड़ के बैठेंगे, मामला नहीं तय होंगे। आखिरी बात मैं आपको बता दूँ, इस्लामाबाद में वो एक कहा जाता है ना मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, वो हो रही है यहाँ पे, ऑल ओवर रीड टू रावलपिंडी, होपफुली सारे चीजें तय हो जाएंगी, पीपल्स पार्टी को सदारत मिल जाएगी, लेकिन गवर्नरशिप पे सर ये आगे चल के मामला तो बात करेंगे, मुझे बाकी पैनलिस्ट की राय भी लेनी है। डॉक्टर दानिश साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, बड़ा गर्मा गर्म ये इजलास हुआ और इसमें जो बातें हुई हैं, इसमें तो जिस तरह से खुल के इजहार किया गया मुख्तलिफ जमातों के सेनेटर्स की जानिब से, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, 2-3 चीज़ें अभी आपके जो सेनेटर्स की बात आपने सुनवाई है, वो उसके लिहाज से तो 2 मुख्तलिफ चीज़ें इसमें डेवलप हुई। एक मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो रिकन्सिलेशन की बात कर रहे हैं तमाम सियासी जमातों के साथ, लेकिन चंद बातें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वो ज़रूर मैं बताऊँगा। और जो मुश्ताक साहब हैं सेनेटर
उनका तो वाजह तौर पर ये स्टेटमेंट है कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन को जो है वो आइन के आर्टिकल के खिलाफ जो उन्होंने काम किया है उसके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए पाकिस्तान में 12 इसको मिलाकर इलेक्शन हो चुके हैं और एक इलेक्शन 70 के अलावा सब के सब जो है वो धांधली शुदा इलेक्शन रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, पाकिस्तान की बड़ी अहम तरीन पॉलिटिकल सियासी जमातें जो इलेक्शन में लड़ती हैं वो कहती हैं। तो क्या बात है कि पाकिस्तान में आज तक कानून और आइन ने की मौजूदगी के बावजूद और इस अहम तरीन इदारे को जिसे एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा कहा जाता है बनाने के बावजूद जो है ये मुसलसल इनकी रिगिंग के लिए, और कोई छोटी मोटी रिगिंग नहीं है, 1977 देख लें, 2018 देख लें, उसके बाद ये वाला देख लें, उससे पहले का देख लें, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर हो जाए तो इलेक्शन कमीशन शायद इस किस्म की कोशिश ना करे जिसका जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो कहता है कि ये जानिबदार है। तो डेफिनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये साबित होता है, और ये साबित इस तरह होता है कि माजी में तमाम सियासी जमातें और आज भी सियासी जमातें कह रही हैं। दूसरा अहम पॉइंट जो उन्होंने रेज किया है कि देखें जो शख्स कानून की गिरफ्त में है जी, और जो कानून है पाकिस्तान, चाहे वो पीएमएलएन के कोई लीडरशिप हो, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप हो, चाहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, अगर आपने कानून को बालाए ताक रख कर आपने माफिया देनी शुरू कर दी और आपने सिर्फ इस बुनियाद पर कि जनाब अली के जनाब हम उन वो जो है इस वक्त जीत गए हैं या वो इस वक्त कॉपरेट नहीं कर रहे हैं या वो सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। देखिए माजी में और भी सियासी लीडरों के साथ जो है वो केसेस बने हैं, गलत बने हैं, बहुत सारे गलत बने हैं, सही बने हैं, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म है अदालत जहां वो फैसला, मियां नवाज शरीफ साहब आए और उनको अदालत से ही रिलीफ मिला, अदालत ने ही उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, इमरान खान के खिलाफ भी अदालत ने कार्रवाई की है, तो अदालत ही फैसला करेगी। बाकी रिकंसिलिएशन के लिए मैं समझता हूँ कि ये बंदर बांट हो रहा है, ये आप ये बताएं, ये कहते हैं कि जनाब हम मुल्की मुफाहमत में बैठे हुए हैं, तो मुल्की मुफाहमत में बैठे हुए हो और अगर वजारत में तुम नहीं जाना चाहते हो, तुम हुकूमत नहीं बनाना चाहते हो, तो तुम पीएमएलएन के ऊपर ये प्रेशर क्यों डाल रहे हो कि तुम हमें सदर दोगे, बलूचिस्तान दोगे और सेनेट दोगे तो हम फिर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ पीएमएलएन जो है वो ये कहती है कि हमें वजारत चाहिए और इसके साथ साथ ये सीटें, यही तो टाइम है डील करने का, एक टर्म्स अपनी बनवाने का, यही तो हम माजी में देखते रहे हैं। लगारी साहब अभी जो सारी सिचुएशन में ये जो कि वो छोटी जमातें जिनके पास मैंडेट नहीं है अवामी बल्कि बड़ी सियासी जमातों के पास मैंडेट है उनके साथ बैठे तो उनको पसंद करती हो या नहीं करती, ठीक है। डॉक्टर साहब आपको पॉइंट आ गया। लगारी साहब अभी जो ये मुतालबात भी रखे गए हैं, एक तो इन मुतालबात को कैसे देख रहे हैं, दूसरी जानब ये जिस तरह से अफहाम व तफहीम से चलने की बात की जा रही है, अभी वक्त का तकाजा भी यही है, जैसे बिलावल साहब भी कह रहे थे कि मामला जो हैं वो कदरे इस वक्त जो बिगाड़ का सूरत हाल है उसको बैठ के ही डायलॉग के थ्रू ही हल किया जा सकता है, आप भी समझते हैं कि ऐसा ही है? ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको, तो पहले तो वक्त को इतना तो आगे ना ले जाया जाए कि बाद में उसका मदावा भी ना हो सके। ये जो जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब ने बातें की हैं, बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर उनकी जमात खुद आइन शिकनी में मुलविस रही हो और कंधा दिया हो और मार्शल्ला के बदतरीन अहदे जबर में जनरल ज़िया की वजारत ने कबूल की हूँ, तो फिर अपने बारे में क्या वो क्या डिमांड करेंगे या अपने बारे में क्या कहेंगे? आइन के अब्रोगेशन सबवर्जन अबाइंस में रखना, तोड़ देना और उसके बाद जाकर उनकी वजारतें कबूल करना और जो पैदावार ना दे सकें वो पैदावार की बिजली महकमा ले लें, जिनके पास खबर ना हो वो इतलात का महकमा संभाल लें और जिनके पास कोई रोशनी ना हो वो पानी और बिजली की वजारतें संभाल लें। ये जनरल ज़िया के मार्शल्ला के आगाज़ में हुआ था, तो हुजूर इसके बारे में भी कुछ इरशाद फरमाइए, आपकी बहुत आइन नवाजिश होगी। और जो कुछ कह रहे हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, ये दिल बड़ा और मुशायर साहब कह रहे हैं एक ही जमात के हैं, तो दिल बड़ा करने के लिए सिर्फ कानून को मोहताज बनाने की ज़रूरत नहीं है,
ये ना हो कि अदालतें आपके सामने सबमिट करें, तब आप जो है सुरखरू होकर सफ़र करें, रखते सफ़र बांधें और चलें और यहाँ पहुँच जाएँ और कहें कि शानदार मैं आ गया। तो अगर ये सूरत हाल आ गई है तो फिर वसी तर एक डायलाग भी करना होगा और वसी तर आपको मुफाहमत की तरफ भी जाना पड़ेगा। लेकिन ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के बाद पहले आप सच्चाई तो जाने ना, सच्चाई क्या है। सही, पहले आप जाने तो सही कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या खिलवाड़ होता रहा है और कौन कौन उसमें शामिल रहा है, और फिर आप जाएं रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक, आप 9 मई हमारे सामने हुआ, अब 9 मई को भूलना चाहते हैं, भूल जाएं। आप कहते हैं जो मुलविस हैं उनको जो है सजाएं दें और जो मुलविस नहीं हैं, तो इसमें कौन तय करेगा कौन मुलविस है और कौन मुलविस नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर डेडलॉक आ जाए तो उसको तोड़ने के लिए कई चीज़ें जो हैं आप वो उसको कारआमद नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर डेडलॉक तोड़ना हो तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों को अपनी अना, ज़िद, हर धर्मी और जो जो बिल्कुल जो हर मामले में कहते थे, नहीं मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करता हूँ, सबके क्या यू टर्न हमारा नस्बुल आइन है, तो यार कहीं ना कहीं तो यू टर्न अब भी ले ले और चीज़ों को संभालने की तरफ साथ दें। बहुत कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान को संभाल जाए। मैं इसमें नहीं, मैं कहता हूँ कि बेशक इख्तदार उनको चाहता है तो उनको दे दिया जाए, ठीक, लेकिन जो कुछ उनका दावा है तो इसका मतलब है कि सारे के सारे लोग हार गए और सिर्फ ये एक जीते हैं 190 पर, तो ये जीत गए, बाकी रह गई हैं 66 और 10 76 सीटें। ये खाम खा पीपल्स पार्टी दावा कर रही है सिंध में जीतने का, खाम खा दावा कर रही है मुस्लिम लीग उनके पंजाब में जीते हैं। तो यानी वो इरफान साहब ने जैसे कहा है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपने भी लूज किया और जहाँ पे आपने विन किया, दोनों सिचुएशंस को। जुल्फिकार साहब, ये जो आपने कहा है कि केपी में इलेक्शन खाना काबा के इमाम ने करवाए थे, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा है और एग्जैक्टली उन्होंने ये बातें की हैं। जुल्फिकार साहब, अभी जो जिस तरह से तजावीज़ पेश की गई हैं सेनेट में और जो मुतालबात पेश किए गए हैं, क्या ये जो तजावीज़ दी गई हैं सब बैठने की और सबको दिल बड़ा करने के लिए, ये सियासी जमातों के जो कायदीन हैं या जो सियासी जमातों की मरकजी क़्यादत है वो उसके लिए रेडी भी है, वो विलिंग है इसके लिए? देखें, आमना इनकी ख्वाहिशात तो बहुत, उसका एहतराम है, ठीक है, ये तो इलेक्शन गुजर गए, बहुत अच्छी बात है। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं, क्या आपने तकरीर वलीद इकबाल की नहीं सुनी? बिल्कुल, वलीद इकबाल की भी तकरीर अगर आप सुना देते हैं तो मेरे ख्याल में बेहतर था हमें और लोगों के सामने, लोगों ने सुना भी। देखिए रवैया क्या है, बिल्कुल अच्छी बात है कि पीटीआई के लोग भी गवर्नमेंट में शामिल हों, नेशनल गवर्नमेंट शामिल हों, सब मिल मिला के साथ रहें, हर एक को उसका शेयर मिलना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए, मईशत को मजबूत करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या कोई नेगोशिएशन की बात, वो तो कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों का मुँह भी नहीं, चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं हम। जब JUI वाला नैरेटिव अगर इनका होगा तो वो इनके पास आ जाएंगे, कल तक वो मौलाना फजलुर्रहमान के लिए, मौलाना फजलुर्रहमान का शायद नाम भी बिगाड़ के लेते थे और उनको मौलाना डीजल कहते थे आज, और उन पर करप्शन के बड़े इल्ज़ाम लगाते थे और उनको कहते थे उसी तरह चोरों का टोला है जिस तरह ये हैं, और ये तो मौलाना कहना भी गुनाह है इनको, आज उनके पास चले गए। रवैया चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ये बात ठीक है कि आप कोई कानून साजी कर लें, ये बात बिल्कुल ठीक है जो अभी हमारे पैनलिस्ट जो उन्होंने कहा कि कानून तो आप बदल नहीं सकते, कोर्ट ने किया है ना, कोर्ट ने ही सारा कुछ करना पड़ेगा, कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई कानून बनाना भी है तो वो फिर अगली असेंबली बनाएगी, लेकिन आपका रवैया इस तरह होना चाहिए कि आप कहें कि मुल्क की खातिर हम नवाज शरीफ के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, हम बिलावल भुट्टो के साथ और जरदारी साहब के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, हम तो उन तमाम हम MQM के लोगों के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, इस वक्त बुला दें। दुनिया में बहुत सी ऐसे मिसालें हैं, क्या साउथ अफ्रीका में नहीं था, क्या साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं अपार्टाइड रिजीम के साथ क्या क्या कुछ करना चाहते थे,
लेकिन क्यों रिकंसिलेशन की बात की गई, क्यों उसकी बात कही गई? क्योंकि आगे बढ़ना था। वहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में तो वो सूरत हाल नहीं हुई। और ये तेशाम साहब ने बिल्कुल ये कहा कि आप 9 मई वाला वाक़या कैसे भुला देंगे, क्या उस पर, क्या आप उस पर कोई माजरत करेंगे, क्या उस पर आप कोई रहम की अपील जमा कराएंगे कि भाई ये रहम की अपील है, गलत हुआ जो कुछ हुआ, हम अपने नौजवानों को इस तरह नहीं देखना चाहते हैं, हम अपने नौजवानों को अपने फ्यूचर बर्बाद नहीं होना देखना चाहते हैं। नैरेटिव ही आपका उस नफरत की बुनियाद पर है, जज्बातीपन की बुनियाद पर, तो शायद ऐसा ना हो, किसी तरफ से भी हो, चाहे ये नून की तरफ से हो, चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, चाहे MQM, चाहे PTI, बैक उनके लोगों, अभी तक उनके अगर अल्फाज आप देखें, उनके जज्बात, उनकी तकरीर देखें, गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। होता है, जाती लड़ाई तो नहीं है ना, आपके पास फॉरम अवेलेबल है, उसमें आप जाएं, अवेलेबल है, हम जब आएंगे भी गवर्नमेंट में तो किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि हम पे जो गुजरी उसका कोई आमना बात, आमना 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 लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या एक बयान, अब अच्छी बात है जो नैरेटिव है उसे हट चुकी है। मैं इसको नहीं, मैं आपको मैं ये ऐड करता चलूं, देखें बिल्कुल ये बात सही है कि गंडापुर साहब ने ये कह दिया, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल भी, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की भी बात करें ना, अगर वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये देखता हूँ कल उनका वजीर आला गंडापुर साहब हो या कोई और हो, वो जब ही तो है किसी ऐसे फोरम पर वजीर आजम, वजीर आजम के होते हुए कोई अगर प्रिजाइड कर रहे हों, तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छे फोरम पर सबूत दें कि एक वजीर आला है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने सूबों। अगर वो बाइकाट करें और उसमें वही उनका लब व लहजा हो, तो शायद वो चीज़ें नहीं चल सकें। जी ठीक है, हमारे पैनलिस्ट के हवाले से राय आ चुकी है, और अगेन वही बात कि तहमुल और रवादारी से ही मामला आगे बढ़ेंगे, और तमाम सियासी जमातों को ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त मुल्क जिस नहज पर खड़ा है, वहाँ पर एक ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सियासी बहरान था, अब उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए तमाम जमातों को एक मफाहमत का रास्ता अपनाना होगा, एक पेज पर बैठना होगा, और उसके बाद मुल्क का सोचना होगा। तो मुल्क की सियासत में तहाल इससे काम नहीं आ सका है। गुज़श्ता रोज़ भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया हुकूमत साजी से मुतालिक, और आज फिर ये बैठक हो रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नून लीग को अपनी शरायत पर, अपनी टर्म्स पर वोट दूंगा, जबकि लीगी रहनुमा इसहाक डार का कहना है कि कोशिश है कि हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। MQM ने हुकूमत साजी में नून लीग को अपनी हिमायत की यकीन दहानी तो करवा दी है, लेकिन 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत भी मांग ली है। उधर पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया गया है, जिसमें हुकूमत साजी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर मुशावरत होगी। नून लीग का दावा यह है कि वो अब तक 16 आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करने में कामयाब हो चुकी है। यूँ अगर नून लीग को मिलने वाली ख़वातीन की मखसूस नशस्तों और अकलियतों की मखसूस नशस्तों को मिलाया जाए तो वह बआसानी 186 का हदफ अबूर करती दिखाई दे रही है। माजी में पंजाब में PTI की हुकूमत को कड़े वक्त का सामना इसलिए करना पड़ा था कि बुनियादी तौर पर उनकी अपनी नंबर गेम मजबूत नहीं थी। अब सवाल यह है कि सूबा पंजाब में बनने वाली नई हुकूमत कितनी मुस्तहकम होगी, और क्या नून लीग मरकज़ को छोड़कर सिर्फ पंजाब रख सकती है? डॉक्टर दानिश की जानिब ये सवाल लेकर मैं सबसे पहले बढ़ूंगी। डॉक्टर साहब, ये मुस्तहकम होगी जो हुकूमत बनाने का देख रहे हैं हम, मुस्लिम लीग नून सोच रही है, और मरकज़ को छोड़कर सिर्फ पंजाब रख सकती है मुस्लिम लीग नून, ऐसे इरादे हैं? ये एक चीज़ जो है, इसका जवाब देने से पहले एक बात मैं ज़रूर करूँगा, और वो ये है कि PTI को 92 सीट मिली हैं, और उनका ये दावा है कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है और 45 के तहत वो 170 सीट रखते हैं। बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म है, कानूनी प्लेटफॉर्म है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, अदालतें हैं, वो गए भी हैं वहाँ काम हो रहा है, और उन्होंने ये बात भी कही है कि जी हम जो हैं अगर नहीं हासिल कर सके तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। इस पॉइंट को ज़रा समझने की ज़रूरत है। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और आपके MQM को किसने रोका है हुकूमत बनाने को? क्या PTI ने रोका? दूसरी चीज़ ये है कि PTI के 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं, इंक्लूडिंग उनके लीडर्स, जो लोग हैं उनको आप कानून के मुताबिक सजा दें, बिल्कुल आप उनको माफ नहीं करें, लेकिन अवामी मैंडेट जिन लोगों को मिला है, क्या पाकिस्तान के अवाम को आप माइनस कर देंगे? जो इस वक्त सबसे बड़ा भारी मैंडेट उन्होंने उन इंडिविजुअल लोगों को दिया है, आजाद लोग जो PTI के प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं, तो आपको उनको देना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। आप सारा गुस्सा उन पे उतार रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की ये बड़ी सियासी जमातें
जो माशाल्लाह कई कई दफा हुकूमत कर चुकी हैं, जो अपने आप को बड़ी जम्हूरियत पसंद करती कहती हैं, वो अभी तक एक हुकूमत साजी नहीं कर सकी। और क्यों नहीं कर सकी? कहां गई उनकी मुल्क से मोहब्बत? ये दे दो मुझे, वो दे दो मुझे, सदारत दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, सदारत नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, मुझे तुम वजीर आजम बना दो मुझे। अरे भैया पीटीआई को अलग कर दें, उनका रवैया, उनकी सोच, उनको बिल्कुल अगर अपने रवैये को तब्दील करना पड़ेगा और उनको तमाम सियासी जमातों की तरफ आना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो बड़ी सियासी जमातें हुकूमत बना सकती हैं और पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जिस किस्म के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और आने वाला वक्त जितना डिले हो रहा है उतना ये हालात खराब ही की तरफ जा रहे हैं। कुछ नहीं, पाकिस्तान की जो सारा का सारा सोच है ये पलट दिया जाए। अब आपने कहा कि हुकूमत मजबूर, देखिए ये बरतानिया नहीं है, बरतानिया की जम्हूरियत नहीं है, ये इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ एक वोट से नहीं है कि एक वोट के फर्क से जो है वो पांच साल गुजार ले। यहाँ हमने देखा है कि टू थर्ड मेजोरिटी के साथ भी क्या हुआ है और मेजोरिटी के साथ भी क्या हुआ है। और यही सियासी जमातें करती हैं, ये जो इल्जाम दूसरों पे डालते हैं ना, यही समाज सियासी जमातें जाकर कहती हैं इनकी हुकूमत गिरा दो और उनकी हुकूमत गिरा दो। आप पंजाब कह रही हैं कि हुकूमत आप तोड़ रहे हैं लोगों को, आप खरीद रहे हैं लोगों को, आप मुख्तलिफ तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं, आप अपनी इंतजामिया को, हुकूमत को और दूसरे तरीके से इन लोगों को प्रेशर करके कर रहे हैं। एक तरफ जो है वो लेन देन की जंग चली हुई है कि हमें सदारत दो, ये बनाएंगे हुकूमत और ये बैठेंगे एक साथ। जब इनके कल मफादात टकराएंगे, कल इनके मफादात जब पार्लियामेंट में जाएंगे, जो हुकूमत बनाने में आज लेन देन और जोड़ तोड़ कर रहे हैं, उस पाकिस्तान में जहां पूरी दुनिया कह रही है कि खुदा के लिए पाकिस्तान सियासी जमातें होश के नाखून लेने पड़ेंगे, एग्जैक्टली सुनना पड़ेगा इस वक्त जो कोई मरकज में, कोई पंजाब में, अगर ये रवैया है इन सियासी जमातों का जो ये दिखा रहे हैं, जो बंदर बांट के लिए लड़ रहे हैं, तो जो मैदान पे आके बिलावल फ्रेजाइल किस्म की गवर्नमेंट हमारे सामने आएगी। बिल्कुल ठीक है शहजादा ज़ुल्फ़िकार साहब, आपकी जाने बढ़ती हूँ। सर आप कैसे देख रहे हैं पंजाब की सिचुएशन को? देखिए पंजाब की हुकूमत वो बनाने में कामयाब होंगे और ये अब तक जितना वो दावा कर रहे हैं हुकूमत बनाने के बाद, आपको पता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जब हुकूमत आप कोई पार्टी बना लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ जाती है, तमाम चीज़ें इख्तियारात उनके हाथ में आ जाते हैं, जितने कमज़ोर एलिमेंट है जो अपोजिशन के बेंचेस पर नहीं बैठना चाहते वो ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला बाद में भी जारी रहेगा और उनकी पार्टी मुस्तकम रहेगी, गवर्नमेंट उनकी मुस्तकम रहेगी। उसके बाद चीज़ें ज़रूर वफाकी हुकूमत जो बनेगी, वफाकी हुकूमत के जो मेजर्स होंगे, जो इकदाम होंगे, जो उनकी परफॉर्मेंस होगी वो असरअंदाज ज़रूर होगा। लेकिन ये है कि वो तो हम आगे भी देख रहे हैं, कोई 18 महीने कह रहा है, कोई साल कह रहा है, कोई दो साल कह रहा है, उस हुकूमत को देखें वो हुकूमत किस तरह, इसलिए कि कमज़ोर हुकूमत होगी, कमज़ोर हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी अपना जो है आर्म ट्विस्टिंग जारी रखेगी, इसी तरह उसके असरात जो है वो आपके पंजाब में भी पड़ेंगे, दूसरी पार्टियां होंगी, कोलिशन पार्टनर होंगे, वो भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अंडर प्रेशर रखें और अपने काम निकलवाए। ये हमने देखता है बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके बना रहे हैं हुकूमत। आज नून लीग की जो एक तादाद थी वो पहले 10 थी, फिर 11 हुई, आज 2 अराकीन ने, आजाद अराकीन ने ज्वाइन किया, 3 अराकीन ने पीपल्स पार्टी को पहले कर दिया। बिल्कुल इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन पंजाब में जो बनने वाली हुकूमत है वो कितनी मुस्तहकम होगी ये सवाल हमारे सामने है। दीगर पैनलिस्ट की राय इस पे लेंगे, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हमारे सामने ये सवाल था कि जो पंजाब में इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है और पीएमएलएन ने ये दावा करी है कि वो पंजाब के साथ साथ विफाक में भी हुकूमत बनाएगी, तो ये पंजाब में जो हुकूमत बनेगी किस हद तक मुस्तहकम होगी? जो माजी की हुकूमत थी उसमें हमने देखा कि वो ब्लैकमेल भी इसलिए होती रही क्योंकि वो एक फ्रेजाइल, एक वीक गवर्नमेंट थी वहाँ पर। तो अभी ये सवाल लेकर लगारी साहब की जाने बढ़ूंगी। लगारी साहब, ये पंजाब में जो बनने वाली हुकूमत है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या मुस्लिम लीग नून मान जाएगी सिर्फ पंजाब रखने पर इतफा करेगी? पहली बात तो ये है कि पंजाब में वैसे ही उसकी अददी अक्सरियत थी, फिर उसके बाद जी बहुत मामूली थी लेकिन अक्सरियत थी उसकी,
फिर उसके बाद पीटीआई के लैया से और अपना मुल्तान से लोधरा से जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे वो जाकर शामिल हो गए, मुल्तान से वो जाकर शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में। आज़ाद अरकान थे वो खासी बड़ी तादाद में, सराय की बैठ के जो मौका परस्त होते हैं, जो अभी ये सूरत हाल होती अगर नून लीग की ख़राब सूरत हाल होती तो बिल्कुल ना जाते। अब चूँकि देख रहे हैं कि जनाब उनकी सूरत हाल बेहतर हो रही है और पीटीआई की ख़राब हो रही है तो वो छोड़ कर वहाँ चले गए हैं, तो इस वजह से उनकी अददी अक्सरत और ज़्यादा बढ़ गई है। और पीपल्स पार्टी के साथ वो जा रहे हैं, अगर वफाक में हुकूमत बना दें तो पीपल्स पार्टी के वोट भी उनके हक में जाएंगे, तो इस तरह से एक मुस्तहकम हुकूमत तो बन जाएगी, इसमें कोई ऐसी रुकावट मुझे नज़र नहीं आ रही है। अच्छा। रहा बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का मामला, तो बलूचिस्तान में भी दोनों पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी में दो तीन शामिल हुए और नून लीग में भी दो तीन शामिल हुए हैं, तो वहाँ मेरे ख्याल में आपका बलूचिस्तान का शायद सवाल आ गया है, लेकिन ये कि पंजाब में वो एक बेहतर मुस्तहकम हुकूमत बनाने की पोजिशन में हैं और बना सकेंगे। वफाक में अब इनका कैसे चलता है, असल बात तो ये है ना कि वफाक में हुकूमत बनाने का मरहला वो कैसे तय करते हैं, और ज़ाहिर है वो इक्तदार हासिल कर रहे हैं तो इक्तदार में तो गिव एंड टेक की सूरत हाल होती है, और जिस तरह से ओहदे मांगे जा रहे हैं, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, इनमें कुर्बानी ना तो वो दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं। असल बात तो यह है कि इक्तदार की शराकत का फार्मूला क्या तय करते हैं, ये आगे चल कर देखते हैं। जी एहतशाम साहब, आपकी राय। देखें आमना, मुझे तो कतई तौर पर नहीं लग रहा कि पंजाब में फॉर दैट मैटर तीन सूबों में तो बड़ी मजबूत हुकूमत बनने जा रही है। पंजाब में आप देख लें PMLN होगी, KP में PTI है, और उसके बाद आप देख लें सिंध में पीपल्स पार्टी है, और जिस तरह बलूचिस्तान का बताया गया है तीन पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी, वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा। 12 सीटें नून की हैं, 11 PMLN की हैं, इस तरह 6-7 JUI के, वहाँ पर भी बन जाएगा, मसला कोई नहीं। असल मसला जो आ रहा है, बिल्कुल लगारी साहब कह रहे हैं, मसला जो है ना फेडरल गवर्नमेंट का है कि ये मरकज़ में हुकूमतें कैसे बनेंगी। देखें उसमें सूरतयाल किस तरफ जा रही है, एक तो इख्तलाफ तो थोड़ा सा पंजाब पे आमना, वो ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि पंजाब में गवर्नरशिप हमें दें, वो कह रहे हैं कि जी आपकी टोटल 10 सीटें हैं सूबाई असम्बली में, किस बुनियाद को आपको दें, एक वो मसला है। और वैसे भी वो कम्फर्टेबल नहीं है नून के, हमारा प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पीपल्स पार्टी का बैठा हो, तो सुनने में आ रहा है कि और भी बहुत से ओहदे मांगे जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जाने से पंजाब में। वो तो बहुत से आईनी होते तो हम रोज़ बातें करते हैं ना, हम ना वो तो मांग ही रहे हैं। एक जो बड़ा मसला बन रहा है ना इस वक्त, जो अगरचे आगे चल के आएगा लेकिन अभी इनकी गुफ्तगू मैं आपको खबर के तौर पे बता सकता हूँ, वो ये है कि आपने देखा है कि SIFC का फैसला है कि इकोनॉमी को ठीक करना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। नून ने अपने किसको कहना चाहिए मैनिफेस्टो में लिख दिया था। पीपल्स पार्टी जो है ना वो सख्त इतराज़ कर रही है, वो कहते हैं जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि PIA को स्टील मिल को आप जो है ना वो इसकी निजकारी करेंगे, इस पर बड़ा इख्तलाफ है। जबकि कहने वाले कह रहे हैं कि जी सबको पता है, IMF ने बड़ा वाज तौर पर कह दिया है कि जी ये 1100 अरब की आपकी हेमरेजिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है स्टेट कॉरपोरेशन की, इसको रोकें। प्लस ये कहा जा रहा है कि जी आप भूल जाएं कि आपने अगले कुछ सालों में या कम से कम एक साल में तनख्वाहें बढ़ानी है, पेंशन बढ़ानी है, बेल्ट टाइटनिंग होगी, बजट खजाना आप कम करके लाएंगे। और स्टेट बैंक की रिपोर्ट सबसे ज़्यादा खौफनाक है, वो कह रही है कि 70 सालों में ये सूरत हाल कभी नहीं हुई थी कि जो आज होगी। वो कहते हैं कि 2054 तक जाके हमें 7% ग्रोथ रेट मिलेगा, उसके बाद आप कहते हैं जॉब क्रिएशन किसी और तरफ जाएंगे। तो सूरत हाल ऐसी है कि आमना हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सियासी जमातों की बात जो है ना वो ख्वाहिशों वाली। अगर इजाज़त दें तो एक बात मैं कहूँ आपको, देखिए ख्वाहिशों पर ये आपका बुद्ध मत लिटरेचर में एक बात की जाती है कि बुद्ध मत ने अपना महात्मा बुद्ध ने एक 20 दिन का मरण व्रत रखा था और अल्लाह से एक बात पूछना चाहते थे। अल्टीमेटली कुदरत ने पूछा कि भाई क्या मरण बंद रख लिया, क्या बात है पूछे, उन्हें कहा कि इंसान इतना दुखी क्यों आज, अल्लाह की तरफ से जवाब आया कुदरत की तरफ से ख्वाहिशें। वो कहते हैं उसी वक्त एक लंबी सांस ली महात्मा बुद्ध ने और मरण व्रत तोड़ दिया, और हर आने वाले को ये कहते थे कि जो कहता था मैं दुखी हूँ उसको कहते थे ये 10 मन की गठरी जो तुमने रखे सर पे रखी उसको उतारो। वो कहते थे कौन सी 10 मन की गठरी, वो कहते हैं ख्वाहिशों की गठरी। तो ये ख्वाहिशों की तो लिमिट कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये गिव एंड टेक करना पड़ेगा, और हमारे जो बड़े हैं वो जिस अंदाज से इस्टेब्लिशमेंट आगे लेके जा रही है इनको, मुझे नहीं लगता मैरिज एट कन्वीनियंस में जब बड़े ग्रांटर हो जाए तो अल्टीमेटली सूरत हाल ठीक हो जाएगी। कायरा साहब 10-11 दिन रहते हैं मामला तय हो जाएंगे। जी सही है,
चलें जी, जिस तरह से हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट अभी ये बात करें पंजाब की सूरत हाल के साथ साथ हम बलूचिस्तान की भी बात करें कि वहाँ पर भी कुछ मिला जुला सा रुझान देखने में आएगा हुकूमत साजी के मुतालिक, आइंदा हुकूमत और वज़ीर आला किस जमात का होगा बलूचिस्तान में, इस हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, जबकि बाप पार्टी की हुकूमत में होने की भी इत्तलात हैं, मगर सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि बलूचिस्तान में हुकूमत साजी विफाक में हुकूमत पर मुनहसर होगी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बलूचिस्तान में हुकूमत साजी विफाक पर विफाकी हुकूमत पर डिपेंड करेगी, क्या बलूचिस्तान में वज़ीर आला एक बार फिर बाप से होगा, ये सवाल लेकर मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब सबसे पहले बढ़ूंगी। सर आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर, आप करीब बैठे हैं, मामलात को किस तरह से देख रहे हैं, खबरें क्या हैं वहाँ बेसिकली? देखें बाप की तो बिल्कुल मुझे कोई नज़र नहीं आता, इसलिए कि चेयरमैन सेनेट इस वक्त जो सदर हैं बाप पार्टी के नवाबजादा खालिद मक्सी वो बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इस तरह एक एक्टिविटी में शामिल नहीं है जिस तरह जो है आपके चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन सेनेट जो है वैसे भी अक्सर उनके समझा जाता है कि वो शहद की दलदल हैं, सब कुछ अपने अंदर खींच लेते हैं और बड़ा लोगों को राज़ी कर देते हैं, पैसा बेशुमार है खर्च कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता, चार इस वक्त तक डिक्लेयर चार हैं, एक सीट पर तनाज़ा है वो शायद रुका हुआ है, उसको अभी डिक्लेयर करना है, या वो JUI को मिलेगी या वो बाप के मीर ज़िया लांगो को मिलेगी। अब उस पर चार पर या पांच पर वो बना नहीं सकते हैं, ना उसको वो हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियां लहजा देखें उन दोनों का, नून का और वो मरकज़ में जिस तरह एक दूसरे के साथ शर्त शरायत और एक दूसरे के साथ कार्ड खेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी मरकज़ की बुनियाद पर गेम खेल रही है कि क्या कुछ उनको मिलेगा पंजाब में, वो इसको देख रहे हैं, क्योंकि पंजाब में उनका इंटरेस्ट है कि वो कदम जमाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी कि शायद कोई काम कर लें, कोई ओहदा उनको मिल जाए, गवर्नरशिप उनका आ जाए और स्पीकरशिप उनके पास आ जाए, तो इसी तरह बलूचिस्तान में ज़्यादा इस वक्त इम्कान है पीपल्स पार्टी का। इस वक्त नंबर ऑफ द गेम्स हैं 13 पीपल्स पार्टी के हैं, 13 नून के हैं, इससे पहले 11 और 10 थे, 11 पीपल्स पार्टी 10 नून लीग, लेकिन एक उनका रिकाउंटिंग में बल्कि रीपोलिंग में कुछ पोलिंग स्टेशंस पे कोलू वाले में उसमें नवाब चंगेज मरी साहब जो है नून के आ गए और पीपल्स पार्टी का वो बंदा रह गया, उससे फिर पोजीशन बिल्कुल उलट हो गई, 11 और 10 नून, 11 और 10 पीपल्स पार्टी, 3 शामिल हुए हैं, कल पीपल्स पार्टी में 13 हो गए, आज 2 आजाद अराकीन शामिल हुए, इस तरह 13 पोजीशन उनकी है। इम्कान है कि पीपल्स पार्टी के उनका CM उनका होगा, 2 नाम सामने आ रहे हैं, नवाब सनाउल्ला जहरी साबिक चीफ मिनिस्टर और दूसरा नाम आ रहा है सरफराज भुट्टी साहब जो इंटीरियर केयरटेकर गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर थे और बलूचिस्तान में वो सेनेटर भी रहे और बलूचिस्तान में होम मिनिस्टर रहे हैं। अब ये उनके दरमियान एक दौड़ लगी हुई है, हाथ में असल में है जरदारी साहब के, जरदारी साहब क्या करते हैं और जरदारी साहब के साथ साथ जाहिर है बलूचिस्तान में एक और अमल दखल भी इस्टेब्लिशमेंट का होता है, इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश करेगी कि वो बामी रजामंदी से और उसमें नून लीग अपना हिस्सा ले लेगी और बाप उसमें शामिल हो जाएगी, बाकी छोटे मोटी पार्टियाँ आ जाएंगी, बहुत आराम से अपनी हुकूमत बना लेंगी। जी जी लगारी साहब। नहीं, मैं यही समझ रहा हूँ कि एक मिली जुली जो है वो एक हुकूमत बनेगी जिसमें 2-3 बड़े फरीक शामिल होंगे बलूचिस्तान में, लेकिन मुझे एक और बात अभी तस्दीक नहीं हुई है, एक बात और सुनने में आई है वो क्या? कि इन शरायत में सदर का ओहदा तो मांग ही रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन चारों सूबों के गवर्नर का ओहदा भी मांग रही है, ये बात आई है सामने, बिल्कुल अभी तक चूंकि किसी से बात नहीं हो सकी हमारी जो इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन एक बात यह भी आ रही है कि जनाब बहुत सी चीज़ों को विड्रा करके चारों सूबों के गवर्नर की बात कर रहे हैं और किया ये कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली और प्रेसिडेंट का ओहदा मांग रहे हैं, बहरहाल ये जाएंगे एक दूसरे के सामने शरायत रखी हुई है इनके, लेकिन जिस तरह से शहजादा जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं जब मनाने वाले आ जाएंगे और फैसला कराने वाले आ जाएंगे और बिठाएंगे और कहेंगे जनाब मान जाइए, तो फिर बात यही होगा कि फिर जो मिजाजी यार में आए मान जाइए, वो तो हो जाएंगे, मान जाएंगे एक दूसरे से और इनके झगड़े ज़्यादा तवील नहीं होंगे, लेकिन ये है, ये सही है कि बलूचिस्तान की हुकूमत की तश्कील जो है वफाक में हुकूमत की तश्कील पर मुनहसर है और दोनों एक दूसरे को कितना स्पेस देते हैं, पीपल्स पार्टी
नून लीग को कितना स्पेस देती है और नून लीग पीपल्स पार्टी को कितना स्पेस देती है। अब वज़ीर आला के बारे में जिस तरह से शहजाद ज़ुल्फ़िकार साहब ने कहा है कि सरफराज बुगटी या नवाब सनाउल्ला ज़हरी जो हैं इनमें से कोई एक हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर नून लीग बनाना चाहे तो बरियाम कमाल भी शायद वो उनके उनके पास सूबाई और कौमी की सीटें हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं, उनके वो कहाँ जाते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं या सूबाई असम्बली में जाते हैं। ये बहरहाल बहुत सी चीज़ें जो है अभी तय होना बाकी हैं, दोनों पार्टियों का राजी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से लगारे साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल वो इत्तफाक करते हैं कि जो वफाक में हुकूमत होगी उसी पर डिपेंड करेगी मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की हुकूमत, तो किस तरह से देख रहे हैं आप और वज़ीर आला के मामलों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये मेरी अपनी इत्तलात है, मैं किसी की बात को रद्द नहीं करता। पंजाब की ओनरशिप पीपल्स पार्टी नहीं मांग रही है, पीपल्स पार्टी मांग रही है बलूचिस्तान हुकूमत, जो मेरी बहुत अहम एक शख्स से बात हुई है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सही। इसके अलावा स्पीकर की पोजीशन वो मांग रही है और चेयरमैन सेनेट की पोजीशन, स्पीकर छोड़ने को तैयार है। केपीके में गवर्नरशिप को कोई लगाव नहीं है, सिंध की गवर्नरशिप को नहीं देना चाहते हैं जो कि एमजीओ मांग रही है। तो ये तो सूरत हाल, लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत फॉर्मेशन में मैंने कहा ना कि वो तो मांग रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी इस पोजीशन पे है, जैसे अभी ज़ुल्फ़िकार साहब ने कहा पहले 10 सीट थी, फिर उनकी टूटी और फिर 13-13 हो गए हैं। इसमें एक बहुत अहम फैक्टर जो है, जहां आप बाप को डिस्कस कर रही हैं वहां JUI है और जो कांग्रेस जमात के साथ JUI का जो झुकाव है वो PMLN की तरफ और पीपल्स पार्टी की तरफ किसी की तरफ भी नहीं है। और इस सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी किस हद तक JUI को और कौम परस्तों को अपने साथ मिला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सिलसिला होगा। अच्छा, PMLN और पीपल्स पार्टी और मरकज में हुकूमत बना लेती है तो बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने में फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों के पास बड़े अच्छे वो हैं, मिल बैठ के हुकूमत बनाए। माजी में आपको पता होगा कि ये यहाँ जो कौम परस्त और जो इंडिविजुअल आते हैं इलेक्टेबल जिसको कहते हैं सरदारान, वो उनको मिलाकर हुकूमत बनाई जाती थी, लेकिन इस दफा तो इलेक्शन से पहले ही उनको तोड़ के पीपल्स पार्टी ले गई और PMLN जो है वो ले गई है। तो चुनांचे उनके नंबर्स तो काफी हद तक दोनों के कंप्लीट है, लेकिन मसला बिल्कुल आपने सही कहा कि मरकज की हुकूमत और वो तमाम डिमांड है जो वो चाहते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत हर सूरत में आसिफ अली जरदारी साहब सदर और बलूचिस्तान हुकूमत का के ऊपर किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उस वक्त जबकि अच्छा मौलाना फजल रहमान से की तरफ उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेजा है, बहुत ही अहम नुमाइंदा मौलाना हैदरी साहब की तरफ, कि अगर वो 11 सीट पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाती है तो फिर उनको वहां पर हुकूमत बनाने का कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात जो ज़ुल्फ़िकार साहब ने की है वो बहुत ही सही कही है कि बलूचिस्तान में जब भी हुकूमत बनती है उसमें एक अहम तरीन जो जगह है एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी बहुत अहम तरीन रोल होता है। मैं समझता हूं कि अगर मरकज में जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत बना ली तो उनको बलूचिस्तान हुकूमत छोड़ना पड़ेगा और सदर के ओहदे के लिए आपके ये जो आप पीपल्स पार्टी है वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं है, बल्कि सदारती सारी जो चीजें होती हैं उसकी तैयारी आसिफ अली जरदारी साहब कर चुके हैं और उस पर वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और अलग ऐलान भी कर दिया बिलावल साहब ने उस मीटिंग का कि हम एक टर्म के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हमने जो बात मानी उनसे मांगी है उस पर हम पीछे तैयार नहीं है। तो ये चार चीजें ये चार चीजें जो वो मांग रहे हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के जमहूरियत के मुफाहमत में, पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में, पाकिस्तान के लोगों के मफाद में और जो मैंडेट स्प्लिट मिला है उसके बुनियाद पर ये जमातें किस तरह बंदर बांट करके पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगी बलूचिस्तान में। टाइम चूंकि कम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एहतशाम साहब, आपका इस पर क्या टेक है, क्योंकि JUI पे डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बात की कि वो वाकई टफ टाइम तो देगी, वहाँ पर सीट्स उनके पास भी हैं फिर दीगर जमातें भी हैं, लेकिन आमना देखे ना जो कहा जाता है ना कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो खानदान के जो बड़े करवाते हैं ना वो शादियां चल भी जाती हैं। तो अब ये जो बलूचिस्तान की बात है आपको भी पता है मुझे भी पता है सबको पता है कि पिछले 40-45 साल से वहाँ की डायनेमिक सियासी बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे जब तीन सूबों की बात होती है वहाँ पे हुकूमत साजी में रोल सही सब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का होता है बड़ा, और मुझे कोई शक नहीं है कि सरफराज बुगटी साहब खास आदमी हैं, वो तो नून में जा रहे थे, आखिरी वक्त में जब नवाशी साहब ने बयान सख्त दिए तो वो पीपल्स पार्टी में चले गए। और ये तलाक यहाँ पे इस्लामाबाद में यही है कि नवाज
पीएमएलएन अगर ये मान जाती है जैसे कि पीपल्स पार्टी भी चाह रही है कि जी अल्टीमेटली हमारे मुतालबात मान लिए जाएँ तो पीएमशिप जो है ना वो नून को दे दें, तो बलोचिस्तान में वही मांग रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो। अच्छा। तो मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है, इतलात भी यही आ रही है कि सरफराज भुगती, वो आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, खास ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से है, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वही आ जाएंगे। जहाँ तक रहा मौलाना फजल रहमान साहब, मेरा ख्याल है इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब रेलिवेंट नहीं रहे, उनका सारा गुस्सा इस वक्त ये है कि सब जगहों से हार गए, टांग से, डीआई खान से, बन्नू से, लकी मरवत से, नॉर्थ साउथ वजिस्तान से, पशीन से जाके जीते हैं, उनके साहबजादे की आज देखें वो भी आप हार गए, आज जो लेटेस्ट एक जगह पर उनका उनके बारे में आया, तो वो दुखी हैं बहुत से हवालों से। अब वो कोई ना कोई गेम बनाएंगे, हमारे पाकिस्तान के सबसे मैं समझता हूँ जहीन जो है वो सियासतदान है, अपनी जगह बनाते रहते हैं, फॉर द टाइम बिंग जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, मैदान में जाएंगे, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, लेकिन उनको मुझे लगता है अल्टीमेटली बड़ी पार्टियाँ उनको राज़ी कर लेंगी और सरफराज भुगती मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं पंजाब अपना बलोचिस्तान के, और पीपल्स पार्टी का एक बड़ा शेयर होगा उसमें। जी ठीक है जी, इस हवाले से हमारे पैनलिस्ट की राय आ चुकी है। और जहाँ पर हम एक जानब देख रहे हैं कि इंतखाबात हुए हैं, वहीं पे आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का ये कहना है कि पाकिस्तान के जो इंतखाबी नतायज हैं और सियासी बेयकीनी की सूरत हाल आईएमएफ के साथ मालियाती माहदे की कोशिशों को पेचीदा बना सकती है। फिच रिपोर्ट में ये कहा गया कि आईएमएफ स्टैंड बाय अरेंजमेंट की मियाद मार्च में ख़त्म हो रही है और नई डील मुल्क के क्रेडिट पर प्रोफाइल की कुंजी होगी। तो इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम सवाल ये है कि नई हुकूमत के लिए आईएमएफ प्रोग्राम हासिल करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगी। देखिए फिच ही नहीं कह रही है बल्कि ये जो फिच रेटिंग एजेंसी है, इसके अलावा आपके इस्लामिक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, इसके अलावा जितने भी सर्वेज हैं, वर्ल्ड बैंक है, आप ले लें, एशियन बैंक को ले लें, पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक का सर्वे है उसको ले लीजिए, सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस हैं मईशत के हवाले से। अब पाकिस्तान को तकरीबन जून में 24.68 बिलियन डॉलर जो है वो देना है, कर्जा उतारना है, और 77.5 बिलियन डॉलर उसको वापस करना है। बजट खजाना 7.6% है, 8.2 ट्रिलियन। अच्छा, उसके अलावा गर्दशी कर्जा मैं पहले भी बता चुका था 5.7 है। नई हुकूमत को अभी आईएमएफ से कर्जा लेना है और वो आखिरी कर्जा है 1.10 का, जो कि आईएमएफ के साथ एक तवील मुद्दती इनको ज़रूरत है, क्योंकि जो ये फिच रेटिंग एजेंसी है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि आईएमएफ के साथ इनको जो है मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वो ये समझते हैं कि आने वाली हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे अगर उन्होंने इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए एक अच्छा फैसला नहीं किया और मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनाई। तो एहतजाज साहब, इसको ओवरकम कैसे किया जाएगा इस सारी सिचुएशन पे? देखिए, जहाँ आप ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है, वो ज़ाहिर है इकोनॉमिक और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल जब ख़त्म होगी तो उस तरफ जाएंगे। देखिए, ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि इस वक्त इतने बुरे तरीके से हम जकड़े गए हैं कि हमें इतनी सख्त शरायत का सामना है कि हमें फॉल बैक करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये तो अब फोरगॉन कंक्लूजन है आमना कि ये 1.1 बिलियन के अगले महीने डॉलर की किस्त देने के बाद हमने 5 से 8 बिलियन डॉलर में जाना है। इस पैसे की इतनी अहमियत नहीं है जितनी आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की है। वो कहते हैं ना क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी, वो आईएमएफ देगा, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बायलेटरल क्रेडिट वो आएंगे सामने। अदरवाइज मुझे बताएं ना, जो ये हमने 27 बिलियन डॉलर मौजूदा माली साल में पे करना है, अगले साल में 71 बिलियन, 3 सालों में 71 बिलियन डॉलर पे करना, वो कैसे आएगा? देखिए, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में आपको बता रहा था, वो कह रहे हैं कि 1952 के बाद अब सूरतयाल ऐसी है कि इससे पहले ऐसी महंगाई नहीं आई थी, और बजट का खजाना इतने बुरे हालात में नहीं था, और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी इस सारी सूरतयाल से निपटने के लिए हमें 7% ग्रोथ रेट चाहिए, और वो कह रहे हैं आमना कि ये 2054 में जाके हम इस मौजूदा हालात को ओवरकम करेंगे तो 7% ग्रोथ रेट बनेगा और फिर हम 20 लाख सालाना जॉब पैदा करेंगे। तो मुझे बताएं, ये 2057 तक किसने जीना है? तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल, ये हमें बड़े सख्त तरीन फैसले करने पड़ेंगे और ये जो यशी के मामले ये ख़त्म करने पड़ेंगे। तीन सख्त तरीन फैसलों का मतलब ये होता है कि कुर्बानी का बकरा आखिर में अवाम होते हैं, उनके मुँह से निवाला छीना जाए, उनके घर के बजट को तहस नहस कर दिया जाए, उनको बर्बाद कर दिया जाए, और आपके अशराफिया जो है वो ऐश करती रहे, मज़े करती रहे, उसके इक्तदार में, उसकी ताकत में कोई कमी ना आए। इबादत के साथ लगारी साहब, ये अशराफिया मारा 17 बिलियन डॉलर की जो है ना सालाना मरात लेता है ये। चलें, इसका वक्त बहुत कम है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे हमें जितना पैसा चाहिए इतने तो वो जो है अपना
मरात ले जाते हैं और उनके लिए ही मरात के दरवाजे खुलते हैं, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इधर से अगर कोई ज़रा सा भी आवाम को कोई चीज़ देने की कोशिश की जाए तो वो कहते हैं कि हम कैपिटल भी लेकर जा रहे हैं और हम खुद भी यहाँ से जा रहे हैं, आपका मुल्क छोड़ रहे हैं। ये होता है उसकी तरफ से। और अब तक जितनी भी कोई चीज़ लगी हुई है, एक तो कौमी एहसास हमने बर्बाद कर दिए इंटेंशनली, ये हमने स्टील मिल को जान बूझ कर बर्बाद किया, हमने रेलवे को जान बूझ कर बर्बाद किया, हमने PIA को जान बूझ कर बर्बाद किया और हमारी ही हुकूमतों ने मिलकर बर्बाद किया। अगर ये चीज़ें बर्बाद नहीं हुई होती और डिलीवर कर रही थी, और ये इन हुकूमतों के आने से पहले ये किस तरह से रेलवे भी चल रही थी और रेलवे के प्रॉफिट भी कर रही थी, PIA प्रॉफिट कर रही थी, आप स्टील मिल आपका प्रॉफिट में जा सकता था, जा रहा था, और जब इन्होंने वो किया और सारी मरात अशराफिया के लिए हैं, और उसमें अशराफिया हर तरह के अशराफिया, ब्यूरोक्रेट का अशराफिया भी शामिल है, सियासी अशराफिया भी शामिल है और सारे लोग भी शामिल हैं। और ये अगर ऐसा करेंगे तो जाहिर है फिर आपके लिए बचेगा क्या? आप अशराफिया को देते जाएँ, आवाम के लिए यह है कि आप उनको भून डालें, उनको कच्चा चबा जाए, उनके बच्चों को मार डालें, वो उनका और तो कोई चीज़ नहीं है आपके पास, क्या करेंगे आप? मुश्किल हालात होंगे जी। ज़ुल्फ़िकार साहब, मेरे ख्याल में मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तमाम पैनलिस्ट ने अपनी राय दे दी उन चीज़ों पर, मैं सिर्फ उनके इस चीज़ पे देखें, सबसे पहले जो भी यही वजह है कि पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल नहीं होना चाहती, वो भी शायद उसको कोशिश कर रही है कि जो मुश्किल हालात में जो फैसले करेंगे सब उनके गले में डाल दें, क्योंकि बहुत बुरा वक्त आने वाला है। जो महंगाई, बिजली गैस महंगाई कर दी उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट में, उसको लेके आगे चलना है और सब कहना है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, लेकिन आगे भी मामलात इस तरह से ठीक नहीं होने जा रहे हैं, आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अब उसमें सबसे पहले यह है कि अपने अशराफिया, जिस तरह ये बता रहे हैं कि 17 बिलियन जो है वो अशराफिया जो है वो उसके वो लेती है, मरात लेती है, अपने अखराजात को कम करना पड़ेगा, ये आपने लोगों को बताना पड़ेगा कि हम सदर के, प्रेसिडेंसी के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, गवर्नर हाउसेस के, CM हाउस के खर्चे कम कर रहे हैं, खर्चे आपको कम करने पड़ेंगे, आपके जो उस तरह से वो आप एक जेस्चर लोगों को बताएंगे कि हम जो है उसमें अगर आप कम करेंगे, और चीज़ों को इसी तरह मिनिस्टरों की ट्रेवलिंग कम करनी पड़ेगी, मिनिस्टरों के अखराजात कम करने पड़ेगा, फिर जब तक बेहतर तरीके से चला सकेंगे, जिस तरह से अब IMF के हवाले से नया प्रोग्राम है उस वो अदायगियाँ होंगी तो फिर हम IMF प्रोग्राम हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही ये आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ, कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।